दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड 19 के इस दौर में हमारे देश की सरकार को अपनी जनता से कोई शिकायत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। आखिर 138 करोड़ लोगों का देश है। कुछ एक हलकों को छोड़ दिया जाए, कुछ एक क्षेत्रों में, कुछ एक जगहों पर थोड़ी बहुत लोगों ने अनुशासनहीनता की होगी, कुछ लोगों ने कानून तोड़ा होगा, हल्का फुल्का कोई मजबूरी रही होगी कहीं किन्हीं लोगों की, किन्हीं लोगों की शरारत भी रही होगी, लेकिन आम तौर पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक हर जगह लोगों ने आम तौर पे, आम मैं आवाम की बात करता हूं, उन्होंने फॉलो किया है जो कुछ सरकार ने डायरेक्टिव जारी किए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर जो संदेश दिए हैं टेलीविजन के जरिए, उनको लोगों ने फॉलो किया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बगैर तैयारी के पहले से शासन की अचानक लॉकडाउन होता है और फिर भी कमोबेश एक आध दो तीन छोटी छोटी गलतियों के को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा देश फॉलो करता है। ऐसा लॉकडाउन पहले कभी नहीं देखा गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को अपनी जनता से कोई शिकायत आम तौर पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या जनता की तरफ से भी आप ऐसा कह सकते हैं? क्या इस देश की जनता को अपनी सरकार से कोई शिकायत नहीं है या नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए? थोड़ी देर के लिए मजदूरों की तरफ से सोचिए, थोड़ी देर के लिए आप मजदूर बनकर सोचिए जो इस देश की बड़ी आबादी है, वर्किंग आबादी, प्रोडक्शन से जो जुड़ी हुई है। मजदूर जब कहते हैं पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, बेंगलुरु से, कोलकाता से, चेन्नई से, हैदराबाद से, सिकंदराबाद से कि भाई हमें अपने गांव जाने दो, हमें रोटी की भी प्रॉब्लम है और हमें सुरक्षा की भी प्रॉब्लम है, हमें अपनी फैमिली भी नहीं है, हमें छांव भी नहीं है अपने घर की, हम ऐसे कमरे में बीसियों लोग साथ रहते हैं जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकती है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री या हमारे और देश के बड़े नेता या डॉक्टर्स और स्वयं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कह रहा है, हम नहीं फॉलो कर सकते, हमें अपने गांव जाने दो। तो आप उनको कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे देश के लिए, समाज के लिए और आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए आप जहां पे हो वहीं रुके रहो, हम आपको सब कुछ मुहैया कराएंगे। लेकिन होता कुछ नहीं। कितना मुहैया होता है वो आप हम सड़कों पर सब देख रहे हैं। जब उत्तराखंड से गुजरात के फंसे हुए अमीर लोगों को भेजना होता है तो हमारी सरकारें लॉकडाउन में डीलक्स कोच, एयर कंडीशन कोच करके और गुजरात भेज देती हैं, कई स्टेट्स से होकर गुजरती हैं बसें। जब उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश के लोगों को जाना होता है जो फंस गए होते हैं लॉकडाउन के दरमियान, जिनके पास पॉलिटिकल क्लाउट है, कनेक्शन है, अमीर हैं, तो उनको भी आप भेज देते हैं बनारस से लेकर न जाने कहां कहां से उठाकर, और शानदार बसों में आप सब यात्रा कराते हुए उनको लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र भेज देते हैं, आंध्रा भेज देते हैं। जब कोटा में हजारों स्टूडेंट्स, मैं पूरी तरह स्टूडेंट्स के प्रति सिंपैथेटिक हूं, स्वयं मेरे एक रिश्तेदार क्या, मेरे अपने परिवार की एक लड़की PhD करती है और बाहर कहीं फंसी हुई है, लेकिन उसने आना मंजूर नहीं किया। उसने कहा कि मैं बहुत सुरक्षित हूं, मैं जहां हूं मेरे जो वहां के PG में हैं, जो खासकर एक महिला जो बुजुर्ग हैं, वो मेरी बहुत अच्छी देखरेख कर रही हैं, मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो वहां के लड़के हैं, मैं उनके प्रति सिंपैथेटिक हूं कि ठीक है वो आना चाहते थे। लेकिन अगर मजदूर कहते हैं आना, तो आप उनके लिए जो बस कभी मुहैया भी करा दी गई दिल्ली में, तो आप बस मुहैया कराने वाले लोगों को आप उन पर कार्रवाई कर लेते हैं, आप उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर लेते हैं। लेकिन कोटा आप सैकड़ों बसें भेजते हैं हजारों लोगों को, हजारों स्टूडेंट्स को लाने के लिए, जो आमतौर पर अमीर हैं, ठीक ठाक परिवारों से आते हैं और आपके भविष्य के डॉक्टर हैं, आपके भविष्य के इंजीनियर हैं, हमारे देश की थाती हैं, वो एक एसेट हैं, ठीक है। लेकिन क्या मजदूर एसेट नहीं है? क्या मजदूर को हम सिर्फ इस रूप में देखें कि जब मालिकानों को अपनी फैक्ट्रियां चलानी होंगी तब मजदूर केवल आएंगे, या पंजाब हरियाणा में खेतों में काम कराना होगा, खासकर जब खरीफ की फसल आएगी
तब उनके लिए आप केवल मजदूरों को याद करेंगे? मजदूर का आपके लिए कोई मतलब नहीं है? मजदूर क्या इस देश की देश के लिए कोई संपदा नहीं है, कोई एसेट नहीं है? क्या वो कोई थाती नहीं है? क्यों मजदूर को अलगाया जा रहा है? कोविड 19 कोरोना के दौरान दोस्तों मुझे कहने में ये कोई हिचक नहीं है कि हमारी सत्ता संरचना ने, हमारे समाज ने इससे प्रभावित लोगों के वर्ग चरित्र में विभाजन कर दिया है। ऐसा लगता है कि मध्य वर्ग के लिए, अमीरों के लिए, इवन निम्न मध्य वर्ग के लिए अलग ढंग का वर्ग है इस पूरी सत्ता का, और मजदूरों के लिए बिल्कुल अलग है। तो जो सत्ता कहती है कि हम पूरे भारत के लोगों के लिए हैं, वो स्वयं क्लास में बांट दिया है इस समाज को। इस समाज के प्रति उसका जो रवैया है वो बिल्कुल अलग अलग है, और ये आईने की तरह साफ दिखाई दे रहा है। इसके लिए किसी पड़ताल की जरूरत नहीं है। तो एक तो कहानी में ये कहना चाहता था कि ये कोरोना में एक ऐसी महामारी में जो अभूतपूर्व है, जब पूरी दुनिया में पूरे समाज देशों के एकजुट होकर अपने देश को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, हमने, हमारे समाज ने और सत्ता संरचना ने हमारे देश में दो तरह के वर्ग खड़ा कर दिए हैं। एक के लिए कोरोना से कोई तकलीफ नहीं, आप बैठे रहिए, आप मरते रहिए, आप भूखों रहिए, आप एक छोटी सी कोठरी में 20-20 लोग रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो ना रहे, लेकिन आपको आपके गांव नहीं जाने देंगे, खतरा आप पैदा करेंगे। और दूसरी तरफ आप दूसरे लोगों को भेज रहे हैं या बुला रहे हैं, उनके लिए फ्री सारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। कमाल की घटना है, इस पूरी दुनिया में ऐसी परिघटना शायद ही कहीं देखी गई होगी। तो एक तो ये मैं कहना चाहता था। और दोस्तों दूसरी जो कहानी है वो भी बहुत ही परेशान करने वाली है। और देखिए, ये कहानियां जो मैं आपसे कह रहा हूं, सामने रख रहा हूं, ये मैं केवल आलोचना किसी की करने के लिए नहीं, सत्ता की, मैं अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को कुछ सुझाव दे रहा हूं, कुछ चाहता हूं कि सुधार हो ताकि अपने देश का भला हो, कोविड से लड़ते हुए लोगों को राहत मिले। और दोस्तों वो कहानी क्या है, हमने पूरे देश में कोविड से लड़ने का जब संकल्प पेश किया, आबादियों ने, समाजों ने, समुदायों ने, राज्यों के लोगों ने, हर क्षेत्र में लोगों ने सरकार के निर्देश को हाथों हाथ लिया, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन आपने सारे अस्पतालों को देश के कोविड के नाम पर लगभग ठप सा कर दिया। जो दूसरे रोग हैं, जो दूसरे पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के हों, हार्ट के हों, या किडनी के हों, लीवर के हों, चर्म रोग से जुड़े हों, कैंसर पेशेंट हों, थैलेसीमिया हो, कुछ भी हो, वे लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ओपीडीज बंद हैं अनेक जगहों पर, और जहां ओपीडी खुले हैं, वहां जहां एक ओपीडी में 300 लोगों का इलाज होता है, वहां पर 12 या 14 लोगों का आदि इलाज हो रहा है। अस्पतालों का सर्वे करा लीजिए, और जिन बड़े अस्पतालों में आपने कोरोना के आपने स्पेशल ट्रीटमेंट का अस्पताल घोषित किया है, वहां अगर 36, 37 या 40 पेशेंट हैं, तो पूरे के पूरे 400 बेड, 500 बेड के अस्पताल खाली पड़े हैं, या वहां पर कुल मिलाकर 50-60 जो बेहद सीरियस पेशेंट हैं वही हैं, और बल्कि अनेक सीरियस पेशेंट्स को आपने घर भेज दिया है, या प्राइवेट अस्पतालों में उनको जाने के लिए, उनको मरने के लिए, या उनको बहुत महंगे इलाज के हवाले आपने कर दिया है। तो एक अजीब तरह की स्थिति है कि कोविड के नाम पर न तो कोविड से प्रभावित, कोरोना से प्रभावित लोगों का उस तरह मुकम्मल इलाज हो पा रहा है जिस तरह चाहिए, क्योंकि कहीं किट की कमी है, कहीं पीपीई की कमी है, शायद चीन से जो अभी आया है सामग्री आई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पहुंचा है और कुछ पहुंचने वाला है, शायद पीपीई और किट और जो चीजें जरूरी हैं वो उपलब्ध हों, या थोड़ा उसमें से जो किल्लत थी वो कम हो जाए। लेकिन अस्पतालों में मुझे लगता है कि शासन को यह व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी कि जो मेजर जो डिजीजेज हैं, जो अहम बीमारियां हैं लोगों की, उनके पेशेंट्स के लिए व्यवस्था की जाए। और कोरोना के लिए अगर एक अस्पताल में लोगों को भर्ती करना है, तो उसके लिए अलग से गेट हो, अलग से निकासी हो, उनके लिए अलग से वार्ड हो, जैसा कि है कई जगहों पर। लेकिन एक केवल बीमारी के लिए, जो महामारी है और जो बहुत जरूरी है, जिसका इलाज सारी बीमारियों को अगर आप
कर देंगे, खात्मा कर देंगे सारी बीमारियों के इलाज का, तो उससे हमारी व्यवस्था के सामने संकट आएगा, अनेक लोग मरेंगे। वैसे ही भारत में लाखों लोग हर साल मरते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बेतहाशा बढ़ेगी, तो ये एक असंतुलन पैदा हो जाएगा जिसकी तरफ आज मैं आपके सामने ये आपका ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.